हेलो सर, ये जो हरियाणा सरकार है मार्च तक ये कह रही है कि हम 60,000 नौकरी दे देंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देंगे? ये कैसे दे देंगे भाई? ये नौकरी हम लेवांगे नौकरी, अरे हमारा हक है, नौकरी दे देंगे, हद है यार इनकी तो, नौकरी को कर दे देंगे, ये किस तरह दे देंगे? पढ़ू मैं, फीस मेरा बाप भर है, रात काली मैं करूं, ठीक है, कितने भी धक्के खाऊं मैं खाऊं, पढ़ के नौकरी खोसूंगा मैं, सर पढ़ जी, के नौकरी खोसेंगे टब्बरे, ये ना सर कि ये जी ये देंगे? बात कह रहे हैं कि हम साठ हाँ हजार नौकरी हम देंगे, मार्च में ये इलेक्शन होंगे तो मार्च यार वाई बात करो, ये कितने दे देंगे नौकरी? हम खोसांगे, नौकरी देनी है तो मेरा ताऊ वाला छोरा 8वीं पास है, उस तो देके दिखाओ, फिर मानना कि नौकरी दी, मैं तो नौकरी खोसूंगा सरकार पे, इसकी की औकात है कि या मेरे तो नौकरी देगी? पढ़ू मैं, फीस मेरा बाबर है, टाइम मेरा खराब होया तो सरकार का के, ठीक है, नौकरी खोसूंगा, इन्हें तो देनी होंगी, तो 4 साल तक सीट इन्हें लपटाने लग रहे हैं टाबरा का, अरे ब्याह हो लिए टाबरा के, टाब टाबर हो लिए, सारे काम हो लिए, 4 साल तक इन्हें नौकरी दी की थैलू बताओ, नौकरी का नाम तो लॉलीपॉप चुसाने लग रहे हैं, इलेक्शन का टाइम पा जाएंगे तो ये, ये नौकरी के ऊपर ये वोट मांगना हो तो ये नौकरी दे हैं दे ये नौकरी देनी नौकरी हुई क्या? देनी को नहीं भाई, नौकरी नहीं, इस 4 साल में तो मैं एक के बात कहना चाहूंगा, कितना नौकरी दे दी, नौकरी लेवांगे हम, खोसांगे नौकरी इनकी, ये कुकर दे रहे हैं, या बात है, मन जो भी कहना, मैंने सबसे ज्यादा गुस्सा इससे बात पाओ, नौकरी दे देंगे, नौकरी तो वो दिया करते कांग्रेस वाले, नौकरी तो 8वीं पास है कोई मेरा ताऊ वाला छोरा 8वीं पास, उससे दे के दिखाओ तो मानूंगा नौकरी दे दी, और घने हैं अनपढ़ हूं तो दे के दिखाओ तो मानूंगा नौकरी दे दी, मैं तो पढ़ू हूं, रात दिन काली करी तो है, ये सर जी ये नौकरी नौकरी पे वोट मांगा ही ना, काम पे वोट मांगना चाहिए फिर बिल्कुल तो। भाई, अरे याए तो सरकार, याए तो जनता की कमी है कि नौकरी न देखने लाग रहे हैं, नहीं तो या सरकार ने अपना आप सिद्धि हो जाए हमारे, अपना आप नौकरी दे दे हमारे, फिर ये इलेक्शन का टाइम पर जाकर नौकरी देंगे, 4 साल ही अगर ये लगाएंगे, नौकरी पे ये वोट मांग रहे हैं तो मोदी भी नौकरी पे नौकरी देगा, 1 लाख रेलवे की दे दी, अग्निवीर दे दिया हमने, तो फिर ये ऐसी वोट भाई मांगेंगे? बात दे कितने दी, रेलवे की पहला नौकरी आया करती, अब एक बात ना खाली रख लो, किसने बिठाओगे उड़े, सारी मशीनरी बिठा दोगे, नौकरी देना हक से हमारा, अधिकार हमारा, मौलिक अधिकार है नौकरी, ये थोड़ी ना देंगे नौकरी, नौकरी हम ले देनी होंगी नहीं ना, तो भाई पहला साल दे दिन दे दम, इतने दिनों के दम 4 बार पेपर कैंसिल कर लिया रहे हरियाणा सरकार ने, इब तक सीटी का कोई नाम निशान को नहीं, खनाल सरकारी पटवारी सीटी सेक्टरी के पहली बार फॉर्म 2014 में लिखी थी। बोल अदो की 2014, अरे मैं ये कह रहा हूँ या सीटी नहीं, सीटी नाम का इसमें टाबरा का भविष्य खराब कर दिया बहुत ज्यादा, अरे इब भी देख लियो, ये दे दे तो ये इब भी नौकरी कर दो, रखकर जो जनता 32,000 जो पोस्ट है उन खातर धरने करण लाग रही, इनका जू तक रहेंगे थी को नहीं, इनका या बात नहीं कहोगे जी, अगे नाम है नौकरी जो है सरकार देगी ना, नौकरी हम खोसवांगे, नौकरी हम लेवांगे, अधिकार है हमारा, ठीक तो है, नौकरी पर वोट मांगना भी गलत बात गलत हो गई। बात है, बिल्कुल गलत है, नौकरी पे क्या नाम की वोट, वोटे मांगने तो काम करो, काम करके दिखाओ, उस पर वोट मांगो, हाँ हम टाइम पर काम करते, टाइम पर भर्ती करते, पहले ही साल में उसका प्रॉफिट मिलता है, फिर वोट मांगना आंदे, तो पंजाब सरकार ने 6 महीने में सारी भर्ती करी है, वो कह सके हैं अगर हमने काम कराया, इनने क्या का काम कराया, ये तो 4 साल न दुखी करके 5वां साल नौकरी देगी, तो ये नौकरी पे थोड़ी काम पर वोट मांगने चाहिए इन्हें, काम बिल्कुल काम पर वोट मांगने चाहिए, मैं तो कहूँ काम पे है वोट होना चाहिए, नौकरी पर कोई वोट नहीं, नौकरी हमारा अधिकार है और हम लेवांगे या नौकरी, तो ये भी एक जो हाईकोर्ट में ये नौकरी फंस रही है तो इनका क्या होगा? फसरी को नहीं ना, गलत है वो, फसरी को नहीं है, ये फसा रखी है, ये चाहो मैं 4 साल के बाद 5वां साल वोटा के बिल्कुल 2 दिन पहला है लॉलीपॉप पकड़ा जाए, जनता राज्य हो जाए, कोई नौकरी नहीं, फसरी है, नो एक बात बताओ, रातू रात ये डबल बेंच तक फैसला ले सके हैं तो ये नौकरी ने भी क्लियर करवा सके हैं ना, फंस नहीं रही है, या बात नहीं कहते हो फसरी है यार, तो ये पानीपत वाली रैली में तो ये नुक है भी हमने ये के नाम से ये रातों रात हाईकोर्ट खुलो आकर ये पेपर ले लिए 56 स्थान ग्रुप के। अरे तो जनता का मेरा पट्ट जनता ने पढ़ है, और यह बात समझ क्यों नहीं रही कि ये भर्तिया में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अब हरियाणा सरकार पर आप सिंपल सी बात बताओ, हरियाणा सरकार पर दूसरा मुद्दा क्या है, इन भविष्य की नौकरियां का मुद्दा है, वो भी न खो दिया, हालांकि ये 5 स्टेट में इनकी विजय, मतलब ये 3 स्टेट में जीते, ठीक है जीते, तो यो आम यो, तो यो बच्चा तो इनोवेटर है, 3 स्टेट में तो आए गई या नौकरी भाई, देखो तो फिर यार डरना पड़ा है, हालांकि देखो वो होना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो इनका अक्कल लागनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं यह बात क्लियर कहूँ, हरियाणा में ये भर्ती न 4 साल जो बच्चे दुखी करे ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे ये है ना 5वां साल नौकरी क्यों ना दे दे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अरे इबे भी क्या है, इबे तो ये और कोर्ट पर कोर्ट नंबर डेट पर डेट दे देंगे, तारीख पर तारीख दे देंगे, सीटी में इतनी कमी है, इतनी कमी है, फिर भी इस भर्ती न करने लाग रहे हैं भाई, इतनी जब हमने कमी दिखने लाग रही है तो इसने टाउन है क्यों, इसने बार बार ले आने लाग रहे हो, तो ये जो 56 स्थान ग्रुप में जो टॉपर बच्चे हैं फिर ये रह जाएंगे टॉपर बच्चे, करो टॉपर बच्चे हैं, ठीक है भाई टॉपर है, उनने मेहनत करी मिल गई नौकरी,
कित मिली नौकरी 41% रिपीट कर दी। इसा के सरकार के पास क्या क्या की कमी थी भाई? टाइम नहीं होगा टाइम पेपर बनाने का, टाइम 4 साल थे तो सही, 4 साल में पेपर बना के दिया एक, वो हिसाब पेपर बना के दे दिया। ईव जो हाईकोर्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये नु कह रहे थे हाईकोर्ट से भर्ती निकाल लो बच्चों से, तो बच्चे कैसे निकाले? अरे तो ये शर्म आनी चाहिए जिस भी बंदन है ना यह बात कही हाईकोर्ट जो है भर्ती निकाल लो। इब एक बात तो टाबर पढ़े हैं या हाईकोर्ट तनु जो है भर्ती निकाला है टाबर कितने रपिए या रपिए होंगे उन पे तो नौकरी ला के देखे सी डी ग्रुप की उनके पास कौन है वो बेरोजगार है। सरकार मतलब इस स्टेटमेंट के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। मैं तो यह बात चाहूंगी यह स्टेटमेंट दी है ना इसकी वेरिफिकेशन हो, यह स्टेटमेंट जिसने दी है कि बच्चे कोर्ट में भर्ती निकाला है उस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या गुजारिश है सब स्टूडेंट की गुजारिश है। यहाँ पर बच्चा टूट जाए बोला हमें काटेंगे हाईकोर्ट से भर्ती तो बिल्कुल ना, तो फिर ये की करेंगे बता ये सरकार हमने निकम्मी बिठा रखी फिर तो हमें निकालेंगे तो। मैं सरकार के बारे में नहीं कहूंगा, सरकार निकम्मिया नहीं है वो जनता अपना आप देख लेगी। मैं भर्तिया के बारे में कहूंगा स्टूडेंट के बारे में जो हमने चुना है अगर वो ये बात करेगा तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? तो आप क्या कह सकते हैं यह बात किसने कही है या तो सरकार का काम है कि यह बात किसने कही है कि भर्ती कोर्ट में बच्चे निकालेंगे। हालांकि यह बात बिल्कुल ठीक है कही गई है यह बात ठीक है सर। ये फिर तो भर्ती में ही तो भर्ती नहीं इलेक्शन तक जोड़ना ये भी गलत बात होगी। बिल्कुल गलत है भाई, मैं तो कहूँ पहले ये जब तो कह सके थे अच्छी तरह भर्ती करवा दिया तो हमने ये काम करवाया है भाई करवा तो यार ये कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी ये कैसे दे रहे हैं नौकरी? गलत है अगर ये नौकरी नहीं देंगे तो फिर ये खाली खुद ही काम करेंगे वहां पर। बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा भाई ये भी अगर अच्छी तरीके से काम करना है तो इन बिल्कुल तुरंत तरीका है 19 तारीख ने फैसला लेकर हाथों हाथ पेपर लेकर पहला सी ग्रुप कंप्लीट करनी चाहिए। एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए, एक भी केस नहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि ये पीपीपी दे फर्जी वेरिफिकेशन कर देंगे ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है कितने भी लूप होल मिल रहा है तो इस सीटी ने कैंसिल करके पूरा ने दोबारा तय 2 महीने में नए सिरे तभी पूरी भर्ती करी जा सके है क्योंकि फरवरी तक का टाइम है, मार्च में तो आचार संहिता लग जाएगी। और कह हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन है ठीक है तो करना चाहिए। ठीक है सर जी भाई बढ़िया, ज्यादा ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो पूछाइयो आगे जो काम हो अपना ठीक है सरकार ती पूछा ये बात। धन्यवाद भाई सभी।